उत्तर प्रदेश के छठे चरण के चुनाव में 20% उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं, जबकि 25% करोड़पति। ये खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की ताजा रिपोर्ट से हुआ है। BSP के 49% उम्मीदवार दागी छवि के हैं, जबकि BJP के 40%, समाजवादी पार्टी के 38% और कांग्रेस के 30% उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। छठे चरण में BJP के 73% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि BSP के 71% और समाजवादी पार्टी के 70% प्रत्याशी करोड़पति हैं। यूपी के CM अखिलेश यादव आज बलिया में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी महाराजगंज और वाराणसी में सभा करेंगे। BSP प्रमुख मायावती चंदौली में जनसभा करेंगी। BJP अध्यक्ष अमित शाह आज गोरखपुर में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बलिया और भदोही जिले में सभा करेंगे। वाराणसी में संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और RJD नेता लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। मनोज सिन्हा ने कहा कि लालू यादव को काशी में क्योटा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उनकी लालटेन में तेल खत्म हो गया है। रेल राज्य मंत्री ने दागियों को टिकट देने को लेकर BSP पर भी निशाना साधा। यूपी के बलिया में RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद ने PM मोदी पर जमकर हमला बोला। लालू ने कहा कि यूपी में अखिलेश की जीत पर वो होली खेलेंगे। उन्होंने होली का गीत भी गुनगुनाया। चुनाव प्रचार के दौरान लालू ने अमित शाह और PM मोदी के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। समाजवादी सरकार में मंत्री और गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के लापता होने के बाद BJP ने आरोप लगाया है कि गायत्री को अखिलेश यादव की शह है। BSP ने कहा कि कैंपेन से लेकर चुनाव प्रचार तक गायत्री अखिलेश के साथ थे, तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने कहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप है कि यूपी पुलिस गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करने में दमखम नहीं लगा रही है। यूपी के झांसी में BJP नेता की बेटी ने पहले सड़क पर और फिर थाने में जमकर हंगामा किया। नवाबाद थाना क्षेत्र में BJP नेता कंचन जायसवाल की बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा आधे घंटे चला, जिससे सड़क पर जाम लग गया। BJP नेता की बेटी ने एक बाइक सवार को अपनी कार से टक्कर मार दी। जब बाइक सवार ने विरोध जताया तो वो हंगामा करने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस BJP नेता की बेटी को थाने लेकर आई तो उसने वहां भी हंगामा शुरू कर दिया। आगरा में एक मकान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगते ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। हालांकि फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले ही लोगों ने खुद आग बुझा दी। मिट्टी, पानी और गीले बोरे की मदद से लोगों ने सिलेंडर में लगी आग पर काबू पा लिया। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई। आगरा से इटावा तक बने साइकिल हाईवे में दरार पड़ गई है। जगह जगह हाईवे पर लंबी लंबी दरारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि इन दरारों को कोलतार से भर दिया गया है। आरोप है कि साइकिल हाईवे बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। लोगों का कहना है कि साइकिल हाईवे पर साइकिल कम और गाड़ियां ज्यादा चलती हैं। पंजाब के गुरदासपुर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ को लेकर आदिया गांव के लोगों और सिख जत्थेबंदियों के बीच विवाद हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि जत्थेबंदियों ने धारदार हथियारों से गांव के लोगों पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में आदिया गांव के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल से एक कैदी पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया। मंगलवार को हत्या के आरोपी रणधीर सिंह की पेशी थी, लेकिन तबियत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही रणधीर पुलिस की मौजूदगी में भाग निकला। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया गया है।